Cadu, okay, hello everyone. We've got Naseem Shah with us. He bowled a great spell today for Pakistan, took two key wickets. We'll try and take questions in English first. Anyone who wants to ask questions in English? I believe we don't have any English questions, so straight away we'll move to Jodhu. Before that, I'll ask Naseem your few questions, please. Naseem, aaj aapne comeback kiya Pakistan team mein. दूसरे टेस्ट में आपने खेले थे, लेकिन आज बड़ी जबरदस्त आपने बॉलिंग स्पेल किया है, फिर नई बॉल से भी सेमी न्यूज जब आपको मौका मिला, फिर उसके बाद रिवर्सिंग भी बड़ी जबरदस्त की है। क्या कहेंगे आज के स्पेल के बारे में? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, और जब भी मैच मिलता है, जब भी आपको मैच मिलता है, और एक बड़ी टीम के खिलाफ मैच था, कोशिश यही थी कि जिस तरह की विकेट थी, जिस तरह आइडिया हो गया था कि इस पर थोड़ी सी आपको जान मारनी पड़ती है, थोड़ा सा फिर बाद में रिवर्स मिला, तो जिसकी वजह से मुझे फायदा हुआ। जी उमर सवाल करें। थैंक यू मैम। नसीम, आउट ऑफ थ्री पिचेस, पिंडी की बात करें, कराची लाहौर की बात करें, डिफरेंस क्या नजर आया? और आप पहली दफा हुआ है कि पहले दिन के दिन पे पांच विकेट गिरे, इससे पहले नहीं गिरे, तो डिफरेंस क्या देखा आपने, और कब आपने प्रिपेयर किया कि मुझे इस विकेट पे विकेट मिलेंगे? देखिए डिफरेंट मेरे ख्याल से यही है कि जितनी आप अगर रिवर्स बॉल जब हार्ड होता है उस टाइम पे अगर आप जान मारते हो तो थोड़ा सा रिवर्स मिलता है, क्योंकि विकेट जो थी वो इतनी तेज नहीं थी, थोड़ी स्लो थी, कि जिस बॉल पे आप ज्यादा जोर मारते हो या ज्यादा पेस से करते हो तो वो वाला बॉल रिवर्स होता है। तो कोशिश यही थी कि ज्यादा मतलब ये कि जिस तरह विकेट थी उस हिसाब से थोड़ा सा पेस को कोशिश की कि बढ़ाऊं और आगे जो लेंथ थी उस पे कोशिश की। राणा साजिद और फिर असलान जट। अस्सलाम वालेकुम नसीम, दिस इज राणा साजिद, 7 न्यूज़ चैनल लाहौर से हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, लाहौर में फर्स्ट टाइम आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और एक तो मौसम बड़ा गर्म था, कितना संभल है कि टफ कंडीशन थी, और विकेट के वाले से वंस अगेन अभी उमर ने भी पूछ लिया हुआ, लेकिन डिफरेंस क्या नजर आया जी? थैंक यू। मौसम के बारे में, नसीम की आवाज नहीं आ रही माद भाई, सॉरी। हाँ जी प्लीज, हम नसीम जवाब दे। मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है कि मैं अपने जो यहाँ पे अंडर 16 भी मैं खेला, अंडर 19 के मैचेस भी खेला, और मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे ज्यादातर खेलता हूँ, जो प्रैक्टिस सेशन वगैरह जो भी होते हैं हमारे NCM में होते हैं या NCC यहाँ पे होते हैं, तो उसी पे टेस्ट मैच खेलना वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मेरे लिए एक बड़ी बात है, उम्र की बात है, और सर अपनी बात की है विकेट की। जी जी विकेट के बारे में, चलिए विकेट पर बात होगी। थैंक यू असलान जट, सवाल करें प्लीज। नसीम, विकेट अभी तक कैसे आपको लग रही है, क्योंकि विकेट तो जो है पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गया पांच, लेकिन खासा लो रह रहा है बॉल, तो अर्ली जो नेक्स्ट आप किस तरह से जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाद में क्या होगा? जी मेरे ख्याल से जो सिचुएशन है, पहले तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम उनको कोशिश करें कि 300 के अंदर आउट करें, और मैं समझता हूँ कि जो जो मैंने नोट किया कि पिच पे अगर आप ज्यादा तेज बॉल करने की कोशिश करते हैं और रिवर्स जब हार्ड होता है तो वो रिवर्स हो रहा था, यानी कि नहीं हो रहा था, और थोड़ा सा लो भी ले रहा था तो पेड़ों पे लगने के चांसेस थे, तो वही कोशिश की कि जो लेंथ था उस पर कोशिश की, और आगे मेरे ख्याल से कि पिच में ब्रेक भी में भी स्टार्ट हो जाए तो इसी पिचेस बन रहे हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से मैच का तो रिजल्ट आए। सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम नसीब, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही आज, पहले दिन आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आपने डेब्यू किया, ये बताएं कि ऐसी जो पिचेस होती हैं, जो स्लो पिचेस होती हैं जब पे बॉल उठता ही नहीं है, और बहुत ही स्लो पिचेस हमने देखी पिंडी की भी और कराची की भी, तो कितना गुस्सा आता है, कितना दुख होता है इस तरह की पिचेस पर फास्ट बॉलर को परफॉर्म करना, और फास्ट बॉलर है आप, आपका दिल करता है कि बाउंस हो और बैट्समैन को लगे बॉल जाके तेज उसके पास से गुजरे, लेकिन बिल्कुल ही लो रह जाती है बॉल, कितना गुस्सा आता है इस ऐसी पिचेस देख के? नहीं गुस्सा तो नहीं आता, क्योंकि अगर गुस्सा खाएंगे तो फिर बॉलिंग नहीं होगी, और
मेरे ख्याल से देखिए एज अ प्रोफेशनल जैसे विकेट अभी हमारे हाथ में तो नहीं है, जो जैसे भी एज अ फास्ट बॉलर मैं ये समझता हूँ कि जब भी मैं मैच खेलता हूँ तो विकेट को तो मतलब मैं ये चीज नहीं देखता कि विकेट कैसी है कैसे नहीं है, क्योंकि ये चीज हमारे हाथ में ही नहीं है। हमारे हाथ में एफर्ट करना और जो भी विकेट हो उस पर अपने आपको शो करना है कि मैं कहाँ बॉल कर रहा हूँ, उस विकेट के किस हिसाब से बॉल कर रहा हूँ। तो मेरी खुद ये कोशिश होती है कि मैं इस तरह के विकेट पे गुस्सा गुस्सा ना करूं और खुद को काम रखिए और अपनी जो जिस तरह की विकेट है उस हिसाब से बॉलिंग करूँ। बिलाल रखी अस्सलामुअलैकुम जी। गर्मी बहुत ज्यादा है और हमने देखा कि आज जो टेम्परेचर था वो भी काफी ज्यादा रहा है, तो उसमें फास्ट बॉलर्स को कितनी परेशानी होती है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए रनअप भी है और उसके साथ साथ जान भी मारनी पड़ती है। आप जिस तरह बता रहे कि बॉलर्स को जान मारनी पड़ी थी, तो उसके साथ साथ जो वेदर फैक्टर था वो कितना था? देखिए सबसे पहले तो आपने वेदर की बात की, वेदर तो जाहिर है गर्मी है और टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर को भी मेरे ख्याल से आसान जॉब नहीं है, बहुत मुश्किल जॉब है कि टेस्ट क्रिकेट में आप फास्ट बॉलिंग करते हो। गर्मी होती है और उस हिसाब से फिर आपको अगर विकेट नहीं मिलती आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, तो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स रखना पड़ता है क्योंकि लंबी बॉलिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी बॉलिंग करनी होती है। तो मेरे ख्याल से मौसम भी गर्म है और ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना काम करके और अच्छी बॉलिंग करें। लास्ट टू क्वेश्चन शाहिद हाशमी और फिर अदरीस मलिक। नसीम स्टीव स्मिथ को आउट किया, कितनी वैल्यूएबल विकेट है इसलिए कि बहुत ग्रेट प्लेयर है वो। देखिए बिल्कुल बहुत बड़े प्लेयर है वो और उनकी विकेट लेना तो उससे कॉन्फिडेंस भी मिला, तो एक ही जगह भी कोशिश कर रहा था उसको कि उसको रन ना दो, डॉट डॉट ज्यादातर करूँ, मेडल ओवर करूँ था, तो उस वजह से मेरे ख्याल से विकेट मिली और उसी से कॉन्फिडेंस मिला और अब कोशिश यही है कि कल आपके दोबारा से अच्छी। नसीम जैसे आपने बॉलिंग की, स्टीव स्मिथ की बड़ी विकेट है, अभी शाहिद भी वही बात कर रहे थे आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल है, और आपने ऑब्जर्व कर लिया है सारी चीजों को, क्या लगता है आपको कल का जो दिन है पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए भी, जैसे आपने 300 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को आउट करने का टारगेट रखा हुआ टीम ने, तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को इस विकेट पर कुछ मुश्किल का सामना होगा या इजी है, होम ग्राउंड है, कोई मसला नहीं? ये तो जब बैटिंग आएगी तो मुझे पता चलेगा, लेकिन ये है कि हमारी तो यही कोशिश है कि कल आके उनको जल्दी आउट करें और मेरे ख्याल से विकेट में इतना ज्यादा वो नहीं है कि बैट्समैनों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि हमारे बैट्समैन अच्छा खेलेंगे और उम्मीद है कि हम मैच जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्बास भाई, इंशाल्लाह आपको कल अकोमोडेट करेंगे, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है।